नमस्कार, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग हिंदी की वीडियो के लिए इतना ज़्यादा कमेंट करोगे। ठीक है, तो फिर से वही कहेंगे, इस वीडियो में भी सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और ये आपका वीडियो आ गया शिक्षा और संस्कृति का, और इसी वीडियो के साथ यानी इसी चैप्टर के साथ आपका जो है ना गद्य खंड आज समाप्त हो जाएगा। अब बचेगा हमारा काव्य खंड। काव्य खंड की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, क्योंकि काव्य खंड में थोड़ा सा मेहनत कम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा, आप लोग देखो, क्योंकि कितना भी मतलब लेट से बनाए, पहले बनाए वीडियो, साउंड को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर ही पड़ता है सड़क के किनारे। लेकिन एक है ना, एक बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये पूरी कहानी पूरी स्टोरी आप सुनते हो, ये ऐसे भी शिक्षा शास्त्र है, अगर इसको पूरा सुनते हो ना, तो आपके एग्जाम में ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेंगे और ना ही सब्जेक्टिव छूटेंगे। ठीक है ना, जितने देर की वीडियोस आप देखते हैं, 20 मिनट 15 मिनट का, इस वीडियो को बनाने में घंटों लग जाते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आपको पता है, जैसे कि मैं पहले आपको बताऊंगा इसमें आपको मतलब जो लेखक परिचय है अच्छे से, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद मैं एक लिंक दूंगा जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव करोगे, फिर एक लिंक दूंगा जहाँ से आप सब्जेक्टिव करोगे। तो भाई साहब, इसके लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं गांधी जी। बोलो कौन है? तो गांधी जी शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं, मतलब हम कह सकते हैं ना हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। तो सबसे पहले आप इसके बारे में कौन नहीं जानता, फिर भी मैंने बता दिया लेखक परिचय कि भाई साहब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, सबको याद है, मुझे पता है। ठीक है ना, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। माता का नाम क्या था भाई साहब? पुतली बाई, पर अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। 4 दिसंबर, और इसकी है ना, और इसकी पत्नी का भी नाम था ना कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी इसकी पत्नी का नाम था भाई साहब। 4 दिसंबर 1818 में ये वकालत करने लंदन गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी वकालत करने कहाँ गए थे, ऑप्शन सी में रहता है लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जी कि ये कब गए थे, तो 4 दिसंबर 1888 को। अगला है इसका विवाह कब हुआ था, तो इनसे लंदन जाने के 5 साल पहले बहुत कम उम्र में इसकी शादी हो गई, किससे? कस्तूरबा गांधी से। ठीक है ना, आगे आता है कि दक्षिण अफ्रीका फिर गए, जब वहां से लॉ सीख करके आ गए लंदन से, उसके बाद ये गए दक्षिण अफ्रीका प्रैक्टिस करने के लिए किसी केस के सिलसिले में, और ये वहां पर रहे थे 1893 से लेकर 1914 तक। ये 100% एग्जाम में आएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे, तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। वापस कब आए? तो सर 14 तक रहे तो 15 में आए होंगे ना, तो वापस आए 15 में। ठीक है, इसका जो पहला हथियार था, इन्होंने अहिंसा का जो पहला प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। एग्जाम में क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा गांधी जी ने अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया, आंसर खोज के मारना दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन कहाँ रहेगा आप जानिए। मेरे भाई इसका ऑप्शन हम नहीं बता सकते। अगर ये पूछेगा कि गांधी जी, अगर ये पूछा गांधी जी ने सत्य है ना, सत्य और अहिंसा का प्रयोग भारत में पहली बार कहाँ पर किया, तब बताना है आपको चंपारण में, ऑप्शन बी में रहता है चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत लौटे थे 1915 में, हथियार इनके क्या क्या थे, तो सत्य और अहिंसा, गांधी जी के हथियार क्या है ना, हथियार क्या थे, तो सर सत्य और अहिंसा थे। अगली चीज है कि स्वराज की मांग, अछूतों दार या स्वदेशी का नारा, स्वदेशी का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। ऊंच नीच, जाति धर्म, गुलामी से आजादी, ये सारे के सारे कामों में गांधी जी सबसे ज्यादा सक्रिय थे। दूसरी बात आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसे बापू कहा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी को बापू किसने कहा, तो कहना सर रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसे कहा, बोलते हैं भाई इज्जत दो इज्जत लो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कहा गुरुदेव, क्या कहा गुरुदेव, तो सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कहा गुरुदेव। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने गुरुदेव कहकर किसे संबोधित किया, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या कहा, गुरुदेव कहा। गांधी जी को बापू किसने बोला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे आता है बापू और राष्ट्रपिता भी हम लोग इसे कहते हैं, इनकी 2 पुस्तकें बड़ा फेमस है, पहला पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, दूसरा पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आप लोग पढ़ोगे इंग्लिश में भी आता है। ठीक है ना, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की पुस्तक है। इनकी 2 पत्रिका बड़ा फेमस है, सबको पता है, पहला है जी हरिजन और दूसरा है यंग इंडिया, हरिजन और दूसरा है यंग इंडिया। आगे आता है इसकी मृत्यु, भाई साहब इसकी मृत्यु एक सरफिरे ने कर दी थी, सर जी किसने,
सर फिरे नहीं, यानी पगला आदमी था वो। नाम क्या था सर? अरे वो क्या नाम था उसका, उसे मारा था नाथू नाम गोडसे ने। और गांधी जी मरते हुए मुझसे क्या बोला था? हे राम कहते गांधी जी ने, क्या बोला था? हे राम। इसका आंदोलन सब तो इतिहास में पढ़ाएंगे कभी, बहुत सारे आंदोलन हैं। गांधी जयंती हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं और इसे अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है, गांधी जयंती अहिंसा दिवस। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरिजन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो आंसर बनना हरिजन शब्द का पहला प्रयोग गांधी जी ने ही किया था, उन्होंने हरिजन शब्द का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया। भाई साहब पूरा क्या क्या दिया गया, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा के बारे में बताया कि कौन सी शिक्षा हमें लेनी चाहिए, कौन सा शिक्षा अच्छा होता है, देख लीजिए सुन लीजिए तब पता चलेगा कि कौन सी शिक्षा अच्छी होती है। और वही शिक्षा खुद को ग्रहण करना है और अपने बेटे को भी वही शिक्षा देना भाई साहब। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा क्या बात है। गांधी जी को कहा, भाई साहब आप काले हो, फर्स्ट क्लास वाली ट्रेन में आप सफर नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। गांधी जी को कहा गया, अरे भाई साहब आप काले हो, आप फर्स्ट टाइट मतलब कि फर्स्ट क्लास एसी में सफर नहीं कर सकते, फर्स्ट क्लास गाड़ी में। गांधी जी ने बोला कि देखिए मेरे पास टिकट है और अगर मेरे पास टिकट है तो मैं कानूनी तौर पर सफर कर सकता हूँ। अंग्रेजों ने कहा मेरी बात मानो, गाड़ी से उतर जाओ। गांधी जी ने बोला मेरे पास टिकट है, गाड़ी से मैं नहीं उतरूंगा। अंग्रेजों ने गांधी जी को खींच करके स्टेशन से उतार मतलब कि स्टेशन पर उतार दिया ट्रेन से। गांधी जी ने बोला इधर सुनो, इधर सुनो, तुमने मुझे ट्रेन से उतारा है, तुमने मुझे ट्रेन से उतारा है, आना मेरा देश। मेरा देश में तो था ही पहले से, देश में तो था ही अंग्रेज ना। बोला मैं तुम्हें अपने देश से बाहर दूंगा, तुमने तो मुझे ट्रेन से उतारा है, मैं तुम्हें पूरे देश से भगा दूंगा, ये मैं वादा कर। गांधी जी ने वहां के खिलाफ, वहां सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन कर दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के आधार पर आग्रह करना, सत्याग्रह कहलाता है। गांधी जी ने किसी भी बात को मनवाने के लिए कभी लाठी नहीं उठाया, कभी डंडे नहीं उठाए, किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने सत्य के आधार पर आग्रह किया, जिसको कहते हैं सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया और सरकार को माननी पड़ी गांधी जी की बात और वहां पर काले और गोरे का भेद को हटाया गया। उसके बाद सभी लोग उस ट्रेन में सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज उस स्टेशन में गांधी जी की मूर्ति लगी है मेरे भाई, आज उस स्टेशन में गांधी जी की मूर्ति लगी है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हे आपने हमें छुटकारा दिया काले और गोरे के भेद से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में, इतना मजेदार चैप्टर है। तुम मैट्रिक पास कर गए? मैट्रिक पास कर गए? मम्मी 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 हम मैट्रिक पास कर गए। अच्छा बेटा कितना महीना कमा लेगा? मम्मी मैट्रिक पास करने से कोई कमाता थोड़ी है। क्यों नहीं कमाएगा? तो मैट्रिक पास करके तू करेगा क्या? समझ रहे मेरी बात को? आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग पढ़ तो रहे हैं पर वो ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि पढ़ने के बाद वो किसी काम के रहते ही नहीं, बेरोजगार। सर जॉब जो लगता है, अरे बच्चे जॉब के बारे में मुझसे पूछो ना। एक मिडिल क्लास का अगर बच्चा है, एक मध्यम पढ़ने में अगर आप हैं, तो सरकार ग्रुप डी रेलवे एसएससी बैंक ये सब का जॉब 3-4-5 साल में एक बार निकालती है। और एक बार अगर फॉर्म भर दिए आप तो समझो वो पूरी प्रक्रिया 4-5 साल और लगेगी होने में। 20,000 सीट है तो करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। वहां पर मेधावी छात्र भी, अगर आप तेज भी छात्र हैं तो आप वहां पर इंतजार करते करते एग्जाम का फीका पड़ जाते हैं, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो गांधी जी किसे कहते हैं बढ़िया शिक्षा? गांधी जी कहते हैं केवल किताबी ज्ञान बढ़िया शिक्षा नहीं है, केवल किताबी ज्ञान रट लेने से, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन रट लेने से नहीं होगा, आपके अंदर कुछ व्यवहारिक गुण भी होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होना चाहिए, कुछ दस्तकारी आनी चाहिए, कुछ एडवांस नॉलेज। आज आप मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए देखते हैं, फेसबुक पर पढ़ाते देखते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियोस देखते हैं, ऐप पर पढ़ाते देखते हैं। तो मैंने क्या किया था बच्चों, मैंने जैसे 10th क्लास पास किया मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया था, कुछ अलग हट के अलग। और कंप्यूटर कोर्स में जब हमने कंप्यूटर को चलाया तो फोन से और कंप्यूटर से इंटरनेट से थोड़ी दोस्ती हो गई। शुरुआत के दिन बता रहा हूं मैं, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था उस समय फोन इंटरनेट सबसे मेरी दोस्ती हो गई, तो मुझे लगने लगा ये सब चीज हल्का है।
आजकल के बच्चे तो छोड़ो ना, बचपन में हम लोग जब इंटर पास किए थे तो नोकिया का फ़ोन था मेरे पास, घर वाले मतलब घर का फ़ोन था, अभी मेरा फ़ोन नहीं था। आजकल के तो तुम 10th में पढ़ते हो, तुम्हारे पास फ़ोन है, वीडियो देख रहे हो, तो फ़ोन है ना तुम्हारे पास। हाँ तो बच्चों, तो मैंने उस समय थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में ज्ञान लिया था, कंप्यूटर से मतलब हमारा दास्ता हो गया था। तो जब हमारा लॉकडाउन लगा, उससे पहले मैंने सोचा, जब मैं कोचिंग पढ़ाता ही हूँ तो मैं क्यों ना इसे ऑनलाइन कर दूँ, क्यों ना मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ। अगर आप सोचो कि मेरे अंदर ये, मैं क्या समझा रहा हूँ इसको समझो खाली, धीरे धीरे तुम सोचो कि अगर मैं कभी कंप्यूटर नहीं छुआ होता, इंटरनेट नहीं छुआ होता, तो मुझे डर लगता कैसे ऑनलाइन पढ़ाएं, क्या यूट्यूब से पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये फिर वो तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में सवाल उठता, बच्चे देखेंगे नहीं, वीडियो पसंद करेंगे नहीं। लेकिन हमारे उम्र के और सब भी बहुत सारे टीचर हैं जिनको ये ज़्यादा नॉलेज, एडवांस नॉलेज ये सब चीज़ का नहीं है, तो वो लोग नहीं पढ़ाते। मुझे था तो मैंने कर लिया, मेरे ऐसे हजारों को है तो हजारों कर रहे हैं, लाखों कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर किताबी ज्ञान सिर्फ मुझे होता, 1 - sin² θ = cos² θ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1870 में हुआ, तो इससे हम YouTube पर पढ़ा नहीं पाते बच्चों, क्योंकि ये भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए था, जो कि अलग टाइप का नॉलेज था। तो गांधी जी ने कहा, या तो आपको कोई लकड़ी का सामान बनाने के लिए आता हो, या आपको पेंटिंग करना आता हो, या फिर आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, या फिर आपको बढ़िया से खेत जोतना आता हो, कोई भी व्यावहारिक शिक्षा आपको होनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान से आपका काम नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, जैसे आप 10th पास करोगे, कुछ ना कुछ अलग अलग काम सोचते रहना, कुछ ना कुछ करना, घर वाले पर बोझ कभी मत बनना बच्चों, ठीक है? वादा करो मुझसे आज कि सब बच्चे जितनी वीडियोस देखोगे, 20,000 30,000 50,000 लाख जो भी देखोगे, तुम सभी लोग जैसे ही 10th पास करोगे, इंटर पास करोगे, अपना कुछ कमाने के बारे में सोचना कि मैं क्या करूँ। अगर नहीं कमाना है तो पढ़ाई पूरी शिद्दत से करना, पूरे मन से करना, कि आज अगर मैं अपने फैमिली का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, अगर उसका पैसा वेस्ट नहीं होने देना, इन्वेस्ट होने देना बच्चों। परिवार ये ना कभी बोले कि मैंने इसके पीछे पैसा खर्च करके गलती कर दी, प्राउड फील हो, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। तो बच्चों, जो शिक्षा अहिंसक हो, यानी एक होता है हिंसा, किसी को मार देना हिंसा कहलाता है, कोई जीभ को पकड़ के काट देना, मुर्गा काट देना हिंसा है, किसी को गाली देना, किसी के साथ बदतमीजी करना, वो हिंसा है। तो बच्चों, शिक्षा ऐसी हो जो अहिंसक हो, शिक्षा ऐसा हो जिसको पाने के बाद आप शांत हो जाएं, आपको गुस्सा कम आए, दूसरे के प्रति आप एग्रेसिव ना हो जाओ, उसे गाली ना दो, उसके साथ लड़ाई मत करो, किसी जीव को काटो मत, किसी को मारो मत, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, ये है अहिंसा वाली शिक्षा। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। दूसरा लाइन पढ़ते हैं, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषता। आपको ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, आपकी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसको ग्रहण करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आपको ये पता चल जाए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य की क्या विशेषता है, आत्मा की क्या विशेषता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं सही बात बताऊं, 100% सही, तो ये बात ना मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया और ना ही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और आजकल के बच्चे ये सीखना भी नहीं चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा बात करूँ आत्मा परमात्मा का, जैसे कि मैं मांस मछली नहीं खाता बच्चों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं आज बता देता हूँ, तो मैं ज़्यादा जुड़ा हूँ इन सब चीज़ों से, तो मुझे ये सब चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, आत्मा के बारे में, हम क्या हैं, हमारी उत्पत्ति कैसी हुई, हमारे परमात्मा कौन है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, ये जो संसार है बच्चों, एक रंगमंच है, यहाँ पर हम लोग आए हैं और बस अपना अपना रोल जो है, अपना अपना जो हमें कार्य मिला है उसको हम निभा रहे हैं, बस कर रहे हैं, जाना तो सबको परमात्मा के पास है। सत्य क्या है, सत्य की हमेशा जीत होती है, हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। तो ऐसी शिक्षा हो बच्चों जिसको लेने के बाद हम आत्मा क्या है समझ पाए, सत्य क्या है समझ पाए, प्रेम क्या है, प्रेम हम कहते हैं लव, हम लोग कहते हैं बच्चों प्रेम, लव, लव का मतलब जो सिर्फ एक लड़का और एक लड़की में हो, इसे लव कहते हैं, ऐसा आजकल हम लोग कहते हैं बच्चों कि हमें लव हो गया। लव बोलने का मतलब लोग समझ लेते हैं, अच्छा तुम्हें किसी लड़की से लव हो गया होगा, लेकिन बच्चों ये प्रेम नहीं है, ये आकर्षण है, दिस इज अट्रैक्शन, ठीक है? आप सोच के देखो, बहुतों से आपको प्रेम हो गया होगा अभी से, अब जब से आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे लड़की हैं या लड़का हैं, आपको बहुतों से प्रेम हो गया होगा, आज लगता होगा कि ये अच्छा है, कल लगता होगा वो अच्छा है, बच्चों दिस इज अट्रैक्शन। लव का मतलब ये होता है कि उसमें
अच्छाई नहीं देखना, अगर आप उसकी अच्छाई देख कर जा रहे हो, खूबसूरती देख के जा रहे हो, तो ये आकर्षण है। आज ना कल उसकी खूबसूरती खराब होगी, आज हो, 5 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, खूबसूरती खत्म होगी, और फिर उस दिन आप बोलोगे आई डोंट लव, मुझे मुझे प्रेम नहीं है, मैं प्रेम नहीं करता। तो मेरे प्यारे बच्चों, लव का मतलब यहाँ है कि एक माँ जो होती है ना, और वो बच्चे को एकदम शानदार प्रेम करती है। अच्छा, आप भाई हो, आपकी बहन होगी, आप उससे प्रेम करते हो, कभी आप उसकी खूबसूरती पर ध्यान नहीं देते। मेरी बहन है, ये मेरी प्रेम है, चाहे उसका दांत टूटा हो, अच्छी हो, काली हो, कलूटी हो, कैसी भी है, मेरी जितनी बहन है यार, मैं तो क्या बताऊँ, उसे कभी तो नफरत हो ही नहीं सकता बहन से। एक दोस्त है, एक दोस्त के लिए इसे कोई मारता तो दौड़ के बचाने आ जाता है, ये प्रेम है। आपके गांव में किसी को कुछ होता है, आप दौड़ के चले जाते हो, ये प्रेम है बच्चों। तो प्रेम माँ बेटे का, भाई भाई का, दोस्त दोस्त का, भाई बहन का, गुरु और शिष्य का। मुझे अगर कोई अभी गाली दे दे तो आप उसे बोलोगे गाली क्यों दे रहे हो सर को मेरे, सर को गाली मत दो, सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये प्रेम है। तो बच्चों, प्रेम सिर्फ एक लड़के और एक लड़की में नहीं होता है। मैं कई बार कमेंट्स में भी आप लोगों का पढ़ता हूँ कि आप लोगों में से सब बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फालतू कमेंट्स नीचे करते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रेम का मतलब ये समझा दे, प्रेम क्या होता है, एक निर्जीव वस्तु से भी प्रेम हो जाता है, बस प्रेम है, प्रकृति से आपको प्रेम है, कोई इसे पेड़ को काट ना दे, कोई पेड़ को हानि नहीं पहुंचाए, ये प्रेम है। तो असली शिक्षा वो है जो आपको आत्मा, परमात्मा, सत्य के बारे में जानकारी दे दे, सत्य का बल का अनुभव करा दे। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग, हमारी जो इंद्रियां हैं बच्चों, हमारी जो इंद्रियां हैं, सब कुछ है, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, नीचे के इंद्रियां हैं, ये इनका बुद्धिपूर्वक उपयोग बच्चों, कई लोग तो इसका उपयोग करना ही नहीं जानते। आँख दिया है बच्चों भगवान ने कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, और आप दिन भर गेम देखने में आँख की जो, आँख का जो हमारा जो पावर है, इसे आप गेम देखने में नष्ट कर रहे हो। कान दिया है अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए, और आप दिन भर कोई फालतू सॉन्ग ला करके गाना सुन रहे हो, भोजपुरी टाइप का कोई गाना ला करके दिन भर सुन रहे हो। मैं ये नहीं कहता सारी भोजपुरी सॉन्ग्स गलत होते हैं, पर कोई भी सॉन्ग्स अगर आप फालतू है तो उसे मत सुनो बच्चों, है ना, क्योंकि इसका बुद्धिपूर्वक उपयोग करना हमें सिखाता है अच्छी शिक्षा। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति हो, सिर्फ माइंड डेवलप नहीं हो, बोलते सर मेरा दिमाग बहुत बढ़ रहा है, सर मेरा दिमाग बहुत बढ़ रहा है, हम त्रिकोणमिति को, क्षेत्रमिति को, ज्यामिति को, सबको बना रहे हैं, एपी को सब बना देते हैं, हमारी माइंड भर गया। क्या बच्चों तुम्हारी आत्मा की जागृति बढ़ी, क्या तुम आत्मा को अनुभव कर पाते हो? अगर किसी कुत्ते को देख करके, कुत्ते के शरीर में घाव को देख करके, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा फीलिंग आ जाए कि सर उसको कष्ट हो रहा है, तो समझो तुमने आत्मा को अनुभव कर लिया, तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम भी इंसान हो, ठीक है। आगे आता है आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा है। गांधी जी कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, ऑप्शन कहीं पर खोज के मारना, हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी कहते हैं। जो हृदय की शिक्षा हो, जो यहाँ के बारे में आपको बॉडी, मतलब ये जो हृदय आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बारे में आपको ज्ञान करा दे, हृदय की शिक्षा, अंदर से फीलिंग की शिक्षा, तो भाग्य होती है। केवल बुद्धि घटिया एवं एकांकी है, केवल बुद्धि बढ़ाना घटिया शिक्षा है गांधी जी के अनुसार। केवल बुद्धि अगर आपका डेवलप हो रहा है तो समझो ये घटिया शिक्षा है। आगे है जी, शिक्षा शरीर बुद्धि आत्मा। शिक्षा बढ़िया वही है जिससे शरीर भी स्वस्थ हो, शरीर भी आपका फिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पेट इतना बड़ा हो गया है दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, सब दौड़ते भी रहिए, शरीर भी क्या होना चाहिए बोलो, शरीर भी फिट होना चाहिए, बुद्धि भी आपका ठीक ठाक होना चाहिए, और आत्मा की जागृति भी होनी चाहिए, उस शिक्षा को बढ़िया कहते गांधी जी ने। अगला है कि तस्करी सिखाना आवश्यक है, एक होता है तस्करी बच्चों, किसी को लेके बेच देना तस्करी कहलाता है, ये तस्करी है ना। तस्करी का मतलब होता है कोई भी एडवांस, मतलब कि अलग नॉलेज, जैसे कि मैंने क्या बोला, पेंट करना सीख लो, घर बनाना सीख लो, बत्ती वो होता है ना, बत्ती वाला कुछ, फरकी उरकी बनाना सीख लो, ठेठ भाषा में हम लोग कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारी तस्करी है। शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास। शिक्षा पद्धति ऐसा होना चाहिए जिसमें मस्तिष्क और आत्मा दोनों का विकास होना चाहिए बच्चों। सिर्फ मस्तिष्क के विकास होने से कोई फायदा नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास कर लोगे ना, इस संसार में उलझ के रह जाओगे। थोड़ा आध्यात्मिक बोलूँ क्या, एक आध मिनट बोल देता हूँ। मस्तिष्क का अगर विकास सिर्फ करोगे तो इस संसार में उलझ कर रह जाओगे, उस आदमी ने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, सर ने ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया, अरे भाई साहब ये मस्तिष्क का खेल है, दिस इज
गेम ऑफ माइंड, ठीक है ना, ये मस्तिष्क का खेल है बच्चों। इसीलिए आप ये सोचो, अगर आपको थोड़ा सा भी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा सा भी आत्मा का नॉलेज हो जाएगा, तो बाहर से आपको कोई मतलब लेना देना ज़्यादा नहीं होगा कि बाहरी लोग आपको क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, तब आप मतलब अच्छा कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। इट्स सीक्रेट मेडिटेशन, इसका बच्चों सीक्रेट है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ध्यान के द्वारा आप आत्मा को जान सकते हैं। ये सेंटेंस मैंने अलग से जोड़ा बच्चों, अभी आपके पाठ में ये नहीं है कि ध्यान से आप आत्मा को जान सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं करते बच्चों, तो आज से ज़रूर 5 मिनट या 10 मिनट सुबह सुबह उठ करके एकदम मौन बैठ जाना है आपको, मतलब कि है ना, बिस्तर में आपको आराम से बैठ जाना है, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान को आप जाप करना है। नहीं अगर करना है तो आप शांत रहना बस, और जो सांस, जो आपकी ब्रीथिंग होगी ना, उस पर ध्यान देना, सांस पर ध्यान देना बच्चों, कि हमारा सांस कैसे आ रहा है जा रहा है बस। बस बच्चों सांस पर ध्यान देना है आपको, सांस आना जाना। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका मन बच्चों शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जितना चंचल है ना, एक सेकंड में सोचता है मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, है ना ऐसे कहते मेरी बहन क्या कर रही होगी, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मुझे खेलने जाना है, सब शांत हो जाएगा। बस शांति रहना, जब माइंड शांत हो जाए फिर पढ़ना बच्चों, मन लगेगा इतना ना, तुम टॉप कर जाओगे बच्चे। तो मेडिटेशन इज अ की ऑफ सक्सेस, यह सफलता की बच्चों कुंजी है, इसीलिए इस पर ध्यान जरूर देना आप लोग, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता के गांधी जी खिलाफ थे, ठीक है। इस पाठ में कुछ नहीं बच्चों, बस यही बताएगा कि बढ़िया शिक्षा गांधी जी किसको बोलते हैं। बढ़िया शिक्षा उसे कहेंगे जिससे हमारे शरीर का, बुद्धि का और आत्मा तीनों का विकास हो, ऐसी शिक्षा को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। घटिया शिक्षा क्या है, जिससे खाली बुद्धि बढ़े, उसे घटिया शिक्षा कहते हैं, ठीक है। चलो रहने देते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इससे इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो भी सब्जेक्टिव आएंगे, हम सब कराएंगे, टेंशन आप मत लो। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब नीचे एक लिंक है, जाओ वहां से जाकर क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन कर लो, हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव हल्का है, बस लेखक परिचय से क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्टिव में भी जितने भी क्वेश्चन है मैंने अच्छे से करवा दिए बच्चों, जाके देख लो। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव तीनों देख लो। ये हमारा आपका जो है ना गदखंड समाप्त हुआ बच्चों, कैसा रहा हमारा ये सफर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अंतिम वीडियो है ये गदखंड का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा अगर कुछ बोल दिया तो उसके लिए आप बच्चों माफ़ कर देना, जबान है निकल जाता है कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अब हमारा स्टार्ट होगा काव्यखंड, काव्यखंड की वीडियो फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा, एग्जाम से पहले समाप्त कर देंगे, भरोसा कीजिए इस पर, आत्मा से कह रहा हूँ। धन्यवाद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कि बहुत तेज़ी से हमारा जो सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, यानी हमारे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं 85-86 करके, बहुत जल्दी हम लोग 100 तक पहुंचने वाले हैं। बस आप लोग इस तरह से सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद।